नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरु जी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ICC परीक्षा को रद्द करने को लेकर बम्बई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। बम्बई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जुलाई महीने में होने वाले ICSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को न कराने का अपील पर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। आइए हम बताते हैं कि क्या है पूरा आपका मामला। तो बम्बई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जुलाई महीने में होने वाले ICSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने की अपील पर दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हालत खराब है, ऐसे में परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। इस मामले में एक छात्र ने कहा, हम हमारे आसपास देख रहे हैं, सब बड़े घर से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वकील मंत्री हर कोई घर में है, और ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हम बाहर निकलकर परीक्षा दें। 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच ICSE की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं के विरोध में अब अदालत में याचिका दाखिल की गई है। छात्रों और परिवार वालों की चिंता है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना संकट का असर सबसे ज़्यादा है तो ऐसे में क्या वाकई ICSE की परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में। अब सवाल यह है कि मार्च महीने में कोरोना के जब मामले आने शुरू हुए थे तब ICSE ने परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया था, और जब सबसे ज़्यादा मामले, तो ऐसे में छात्रों को परीक्षा देना कैसे कहा जा सकता है। इस मामले में बम्बई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद तिवारी के अनुसार जब आंकड़े सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं तब परीक्षा कराने का मतलब ही छात्र की सेहत को खतरे में डालना, और इसलिए तो इसका विरोध किया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 97,000 पार है। बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट बोर्ड के पहले और दूसरे ईयर के छात्रों की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी। सत्ताधारी पार्टी शिवसेना से जुड़ी युवा सेना भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुकी है, और ऐसे में ICSE बोर्ड के छात्र इसी को तर्क बताकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। इसके बाद ही ICSE बोर्ड के हजारों छात्रों के भविष्य को लेकर फैसला किया जाएगा। जैसा कि हम बता दें कि आपके जो CBSE की एग्जामिनेशन है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले, उसके लिए भी आपके कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि आपकी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाए, और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, जी हाँ, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे, या कह सकते हैं कि आपके विद्यालय में जो आपके एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या आपके एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, इस तरीके के जो एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, उसी के आधार पर आपका बोर्ड के मार्क्सशीट इशू किए जाएँ, उसी के आधार पर आपके स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएँ। ऐसा स्टूडेंट और पेरेंट्स का कहना था जब आपके याचिका फाइल की गई है कोर्ट में ICSE बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलेगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है ICSE बोर्ड, ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो इस चैनल पर अपडेट किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।